नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट हिस्ट्री पॉइंट पे। तो आज का जो हमने सेशन लिया है वो बीएलएड के लिए है, बीएलएड सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो बीएलएड सेकेंड ईयर का जो भी सिलेबस है इसको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूँ कि इसका जो पूरा का पूरा क्लासेज है वो हमारे इसी यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। हालाँकि बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था, जो कोर्स था, उसको हमने कवर अप कर दिया है पूरा का पूरा। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो अगर जो फर्स्ट ईयर में है तो वो अगर चाहें तो वो प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा का पूरा बीएलएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। वो कोर्स भी हमने करा दिया है। दूसरी बात अभी आती है कि दो बीएलएड सेकेंड ईयर का हम पूरा कोर्स कराएंगे, साथ ही साथ में जो भी सिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो 2017 से चला है और 2021 तक चलेगा, जब तक कि नई शिक्षा नीति नहीं लागू हो जाती। तो बेसिकली अभी 2020 चल रहा है, 2021 अगले साल भी चलेगा ये, ठीक है। तो एक साल अभी और चलेगा, तो आपको देख लेना है। बेसिकली 2022 में चेंज हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है कि 2022 में ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। बेसिकली हम पढ़ लेते हैं, पहले इसमें क्या क्या देखना है हमको एक बार देख लेते हैं। बेसिकली जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, इसके माध्यम से हम क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, इसका एम क्या है, उद्देश्य जिसे हम कहते हैं उद्देश्य क्या है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हिंदी वाले इंग्लिश इतना समझ लेंगे जितना इसमें लिखा गया है, और इंग्लिश वाले भी हिंदी उतना समझ लेंगे जितना इसमें बताया गया है, ठीक है। देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या है बात किया जाए। तो द पीपल्स टीचर्स will be able to, मतलब किसके लिए वो योग्य होंगे, to know the concept of educational psychology scope, and the second thing is understand the concept of growth and development, and third is understand the learning theories and importance, and fourth is know the concept and meaning of intelligence, fifth is know the personality concept and theories, and sixth is understand the creativity and एक्सेप्शंस ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसके माध्यम से आप एजुकेशन की जो साइकोलॉजी होती है, जो इसका क्षेत्र होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही साथ में हमने देखा कि ग्रोथ, ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब किस प्रकार से वृद्धि और डेवलपमेंट विकास का जो यहाँ पर बात बताई गई है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट बाई यूनिट बताएंगे आपको तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। लर्निंग को समझेंगे, थ्योरीज एंड इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे, कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें हैं, और क्रिएटिविटी एक्सेप्शंस ऑफ चिल्ड्रेन वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अब यूनिट वाइज देख लेते हैं, यूनिट वाइज क्या क्या चीज़ें हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं। पहला यूनिट में हम क्या देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, मतलब कि जो साइकोलॉजी और एजुकेशन के बीच में जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट खंड में, ठीक है, पहले खंड में। एजुकेशन साइकोलॉजी मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड स्कोप, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में देखा था एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया मीनिंग नेचर एंड स्कोप, ठीक है, तो उसको हम देखा था। ठीक उसी हिसाब से रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ में मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इट्स क्लासरूम इम्प्लीकेशंस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कितने प्रकार के डेवलपमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली वही बाल विकास से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी साइकोलॉजी एजुकेशन संबंधित, ठीक है, उसको समझने का, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा के बीच में क्या अंतर है उसको समझने का प्रयास करेंगे, इसकी मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड स्कोप यानी कितना दायरा है इसको समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ में इसको हम साइकोलॉजी को किस प्रकार से अपने क्लासरूम पर, मतलब बच्चों के सामने किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि लास्ट होगा, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब विकास, किस प्रकार से विकास होगा, ठीक है, बच्चों में, कॉन्सेप्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कितने प्रकार के डेवलपमेंट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली एजुकेशन साइकोलॉजी है यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, क्लासरूम पर किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है वही चीज़ें हम यूनिट फर्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। वहीं बात करें यूनिट सेकेंड की, तो यूनिट सेकेंड में हम पढ़ेंगे लर्निंग मीनिंग नेचर एंड कॉन्सेप्ट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, मतलब किस प्रकार से हम सीख सकते हैं, जो सीखने की जो तरीका होता है उसका हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमें सीखने का प्रयास में हमें मदद करती है। जैसे आप एक बच्चे को किस प्रकार से सिखा सकते हैं, तो कई माध्यम होते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से, उनको उनके निजी जीवन के बारे में एग्जाम्पल देकर हम सिखा सकते हैं। तो वही चीज़ें बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि लर्निंग जो है, लर्निंग के मीनिंग नेचर एंड कॉन्सेप्ट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। और अगला पॉइंट है इसमें थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच टू लर्निंग, थॉर्नडाइक ट्रायल्स एंड एरर थ्योरीज, स्किनर ऑपरेंट,
कंडीशनिंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। बेसिकली बताया गया है, आप जब इसमें सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है, किस प्रकार से बच्चों में सिखाया जाए, बिहेवियरल अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है, जो बच्चों में कई बार होता है ना कि जब हम क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो कई बच्चों का जो है बिहेवियरल अप्रोच अलग ही होता है, किस प्रकार से हम उसके साइकोलॉजी हमने पढ़ ही लिया है फर्स्ट में, तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि वो बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं है, डम्ड है तो उसको कैसे किस प्रकार से क्लास में जो है प्रोत्साहित करना है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल में करना है, तो बिहेवियरल एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल करेंगे। थॉर्नडाइक ट्रायल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो ये एक ट्रायल है उसको समझने का, एरर जो है थ्योरी, ट्राई एंड एरर वाला थ्योरी, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। स्किनर, ठीक है, स्किनर ऑपरेंट पढ़ेंगे, कंडीशनिंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग एंड इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग नेचर कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। बेसिकली हम पहले यूनिट में साइकोलॉजी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, और दूसरे यूनिट में हम किस प्रकार से लर्निंग जो प्रोसेस होती है, किस प्रकार से बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, ट्राई एंड एरर का मेथड जो होता है, और साथ ही साथ में थॉर्नडाइक का जो ट्रायल था उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली जो सेकंड यूनिट है वो टोटल जो है वो लर्निंग पे बेस है, ठीक है। तीसरा जो है यूनिट हम इसमें पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, तो पर्सनालिटी के बारे में मीनिंग नेचर एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटीज एंड अप्रोचेज ऑफ पर्सनालिटीज, ट्रेट एंड टाइप्स अप्रोच एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। बेसिकली हम किस प्रकार से अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी मीनिंग क्या है, नेचर्स क्या है, तो पर्सनालिटी के बारे में इसमें संक्षेप में सविस्तार पूर्वक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वहीं बात किया जाए यूनिट फोर की, यूनिट फोर में हम देखते हैं तो इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, सबसे पहले यही चीज़ आती है, ठीक है, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस, क्यूटेंट मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, मीनिंग कॉन्सेप्ट डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, मेथड ऑफ टेक्निक्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, प्ले वे एंड क्विज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली इसमें जो है बुद्धिमत्ता को परख जो है जिसको हिंदी के माध्यम से समझाया जाए तो इंटेलिजेंस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसको कहते हैं बुद्धिमत्ता। अब अपने बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से हम इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं, क्लासरूम में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने मतलब अगर किसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं तो कैसे हम अपने आप को उससे उबार करके, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस प्रकार से जो है समस्या का हल निकालें, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के बारे में पढ़ेंगे, प्ले वे किस तरीके से तमाम प्रकार के जो है आपको क्विज जो है वहाँ पे कराए जाएंगे यूनिट फोर में, ठीक है, प्रैक्टिकल यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ, बेसिकली आपको ध्यान दे देना है, बल्कि आपके जो सेकंड ईयर में जब जाएंगे तो आप लाइब्रेरी से ये इशू करवा सकते हैं, जैसे एडनसन है, भाटिया की बुक है, स्किनर है, बिजिक है, पांडे राम शकल की है, ठीक है, पिलाई है, इस प्रकार से तमाम प्रकार के जो साइकोलॉजी फाउंडेशन एजुकेशन इनके बारे में के एस के जो बारे जो बुक है ये आप पढ़ सकते हैं, मैं इसका PDF जो है प्रोवाइड करा दूंगा तो आप उसके माध्यम से। बेसिकली हमारा यूनिट इकाई जो पेपर फर्स्ट था वो समाप्त हो चुका है, टोटल जो पेपर है वो 4 पेपर है, ठीक है, हर पेपर में जो है पहले और दूसरे पेपर में आपको कॉलेज की तरफ से ही लेना पड़ता है, आपको यहाँ पे कोई चॉइसिंग नहीं है, बाकी के 2 पेपर आप चुन सकते हैं जिसमें से आप हिंदी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तमाम प्रकार के सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट जो है वो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं जबकि 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने पड़ते हैं। तो ये देख लेते हैं पेपर सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीनिंग नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच, ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो शिक्षा तकनीकी है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ई लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, ई मतलब जहाँ पे लगा हो तो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, बेसिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा वेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, जैसे मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत देखा जाता है तो जो भी चीज़ें आती हैं जो कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। मीनिंग नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्लेंडेड लर्निंग को पढ़ेंगे हम यहाँ पे, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो बेसिकली जो यूनिट फर्स्ट होगा वो टोटली जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। वहीं बात करें यूनिट सेकंड की तो यूनिट सेकंड में हम टीचिंग पढ़ेंगे, टीचिंग जो है मीनिंग डेफिनेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग्स मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमास ऑफ टीचिंग्स, बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि
कि कितने लेवल्स होते हैं जो सीखने का, टीचिंग का जो मेथड होता है, मेमोरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पहले उसको देखना, फिर याद करना, फिर उसको अंडरस्टैंड करना, फिर याद करना उसको, फिर रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, फिर उसको किसी को तो बताना, ठीक है। बेसिकली जैसे आप कोई भी चीज़ आप जब क्लास में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको देखते हैं, सुनते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको लर्न करते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं। लर्न मतलब जब आपसे कोई पूछता है तो आप उसके रिफ्लेक्टिव के माध्यम से बाहर निकालते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैक्समस पढ़ेंगे टीचिंग के बारे में, और फेज ऑफ टीचिंग जैसे प्री इंस्ट्रक्टिव, प्री इंट्रैक्टिव और इंट्रैक्टिव एंड पोस्ट इंट्रैक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कितने फेजेज होते हैं टीचिंग के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा होगा टीचिंग मेथड ऑफ स्टेजेस, कितने टीचिंग मेथड के कितने स्टेजेस होते हैं उसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। जैसे लेक्चर मेथड होता है, ठीक है, कई बार क्या करते हैं पढ़ाई के जो तरीके होते हैं क्या होते हैं कि एक लेक्चर लेक्चर के माध्यम से पढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई भी प्रॉब्लम है किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे। तीसरा है कि प्रोजेक्ट मेथड एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। टीचिंग एड्स जो है, जो इसमें पढ़ेंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से जो है प्राचीन समय में किस प्रकार से पढ़ाई जाती थी, टीचिंग की जो पद्धति थी, और वर्तमान समय में किस प्रकार से पढ़ाई जा रही है उसके बारे में। ऑल ओवर जो था इसमें टीचिंग के बारे में बताया गया है। पहले हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनिक जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। यूनिट सेकेंड जो था वो टीचिंग के बारे में बताया गया था, कितने फेजेज़ हैं, किस प्रकार से टीचिंग कराई जा सकती है, कितने कितने प्रकार होते हैं, बेसिकली इसके बारे में बताया गया था। वही बात किया जाए यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में हम देखेंगे कम्युनिकेशंस, बेसिकली वार्तालाप जिसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशंस, मीनिंग, डिफिनेशंस, प्रोसेस एंड बैरियर्स। बेसिकली आपको इस आपने इसको फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी देखा होगा। कम्युनिकेशन बेसिकली आपने तीन देखा होगा, वर्बल, नॉन वर्बल। इसके अंतर्गत हमने देखा था किस प्रकार से हम इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि हम अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, वर्बल हो गया। नॉन वर्बल क्या हो गया, जैसे हम अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा, हम जानकारी का आदान प्रदान तो कर रहे हैं लेकिन हम वर्बली नहीं, कोई ठीक है मीडियम क्या है, पेपर है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसको भी हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा माइक्रो टीचिंग्स, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद टीचिंग स्किल्स, कितने टीचिंग स्किल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स, एंड ओपन एजुकेशन रिसोर्स मॉक, जिसे हम कहते हैं मूक, जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो था ये कम्युनिकेशन पर बेस्ड था। अगला हम जो यूनिट फोर्थ पढ़ेंगे, यूनिट फोर्थ में हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, ठीक है, मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, वर्चुअल रियलिटी एंड एजुकेशंस। ई लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में बेसिकली इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो ये थी हमारे यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपके जो है जो कॉलेज की तरफ से जो प्रोवाइड कराए थे वो खत्म हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे अब दो सब्जेक्ट आपको कॉलेज की तरफ से चूज़ करना पड़ता है। उन दो सब्जेक्ट में आप फ्री हैं, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। गिवन ब्लो कौन कौन से सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं उसमें आपको चूज़ कर सकते हैं। जैसे अधिकतर जो स्टूडेंट थे वो हिंदी और हिस्ट्री को चूज़ करते हैं, या फिर हिंदी और ज्योग्राफी को चूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसको तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ में मैथमेटिक्स का भी हम देख लेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं हिंदी क्या है, हिंदी का सिलेबस। तो इसका उद्देश्य क्या है कि छात्र इस विषय के अध्ययन के उपरांत निम्नलिखित योग्यता से परिपूर्ण हो जाएंगे। पहला, छात्रों को हिंदी भाषा की उत्पत्ति व विकास का ज्ञान कराना, ठीक है, किस प्रकार से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, इसका ज्ञान कराना। साथ ही साथ में छात्रों को भाषा व्याकरण व संरचना के माध्यम से अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना। क्या कि छात्रों को क्या है कि भाषा और व्याकरण की संरचना व माध्यम से छात्रों को भाषा व्याकरण व संरचना के माध्यम से अपने भावों को विचारों को अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना। साथ ही साथ में छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास में परिचित कराना, और छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचित कराना के साथ साथ छात्रों को हिंदी साहित्य का कालक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है बताया गया है कि अपने भावों की अभिव्यक्ति करना एक भाषा के माध्यम से, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा है तो अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो एक मीडियम है, ठीक है, भाषा एक मीडियम है कम्युनिकेट करने के लिए, जो भी हमारे भाव विचार हैं उसको एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए। इसके साथ ही बताया गया है कि क्या कहा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचित कराना इसका एक मूल उद्देश्य के अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ में किस प्रकार से जो हमने देखा है प्राचीन हिंदी साहित्य था, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि भक्ति काल आई, फिर रीति काल आया, फिर आधुनिक काल आया, तो उसके बारे में जो कालखंड है उसके बारे में यहाँ पे परिचित कराना मुख्य उद्देश्य है इसका। साथ ही साथ में छात्रों को हिंदी के प्रमुख कवियों के कृतित्व व्यक्तित्व से परिचित कराना, किस प्रकार से तुलसीदास, कबीरदास, ठीक है, रैदास, मीराबाई और बिहारी लाल, ठीक है, बिहारी के सतसई 702 है। तो बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि जो महान व्यक्तित्व हैं जो हिंदी साहित्य के, उनके बारे में परिचित कराना, ठीक है, उनके जीवनी के बारे में बताना, उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी उनके बारे में अध्ययन करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है।
साथ ही साथ में छात्रों को रस, छंद, अलंकार व उसकी विशेषताओं का ज्ञान कराना और छात्रों को साहित्य सृजन हेतु प्रेरित करना, ये इसका उद्देश्य था। अब इसमें इकाई फर्स्ट में, जिसे यूनिट फर्स्ट कहते हैं, इसके इकाई फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, भाषा का क्या अर्थ होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं एवं भाषा, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है उसको देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में हिंदी वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, वाक्य एवं शुद्धि के बारे में यूनिट फर्स्ट में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं बात किया जाए द्वितीय इकाई की, तो दूसरी इकाई में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल एवं भारतीय द्वितीय युग में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता की सामान्य विशेषताएं एवं कुछ प्रतिनिधि कवि व उनकी रचनाएं, जैसे दिनकर, नागार्जुन, अज्ञेय, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय जिनका फुल नाम है, पूरा नाम है, धूमिल, नीरज आदि के कवियों के बारे में हम महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या बताया गया कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के साथ साथ में हम भारतेंद्र युग में छायावाद युग एवं प्रगतिवाद के युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद और नई कविता का समान विशेषताएं व कुछ प्रतिनिधियों के कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या हमने देखा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और साथ ही साथ में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद, नई कविता के बारे में कुछ विशेषताएं और कुछ प्रतिनिधि व कविताओं के बारे में या फिर कवियों के बारे में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आदिकाल में हम रासो और अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। भक्तिकाल में हम सगुण व निर्गुण, ठीक है, सगुण मतलब जो भगवान में विश्वास रखता है, निर्गुण, ठीक है, निर्गुण उपासक हो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, सगुण व निर्गुण भक्ति शाखा। रीतिकाल में केशवदास, भूषण, बिहारी लाल के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक काल में द्विवेदी युग और छायावाद युग के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। वहीं तीसरी इकाई की बात करें तो तीसरी इकाई में हम हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएँ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कहानी में हम जैसे गोदान हो गया, प्रेमचंद के बारे में और मन्नू भंडारी की कुछ कहानियों का संकलन हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ में अगर बात किया जाए नाटक की, तो नाटक में हम जयशंकर प्रसाद, जैसे तितली हो गई, ठीक है, भारतेंदु, हरिश्चंद के बारे में पढ़ेंगे और निबंध के बारे में बात किया जाए, निबंध जो है इस विन्यास के अंतर्गत हम रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे और उपन्यास में हम देखेंगे भगवती चरण सवर्मा और श्रीलाल शुक्ल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कहानी में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, प्रेमचंद, मनु भंडारी, नाटक में जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, हरिश्चंद, निबंध में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और उपन्यास में भगवती चरण शर्मा और श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। और वहीं आखिरी इकाई की बात किया जाए तो आखिरी इकाई में हम पढ़ेंगे काव्य के लक्षण, काव्य गुण दोष, रस, छंद, अलंकार एवं शब्द शक्तियाँ, ठीक है। पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, सरकारी पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे, अर्ध सरकारी पत्र, तार, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ठीक है, तमाम प्रकार के जो चतुर्थ इकाई में है, किस प्रकार से हम पत्र लेखन के यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे विकसित करेंगे। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो पत्र लेखन का जो लक्षण है, जो पत्र लेखन की जो विधा है उसको किस प्रकार से लिखा गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारे गद्य की विधाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, रेखांकित, स्मरण, संस्मरण, माला साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टार्ज, ठीक है। बेसिकली ये बताया गया है कि जो विधाएं होती हैं, जो उपन्यास होते हैं, कहानी होते हैं, नाटक होते हैं, निबंध होते हैं, रेखांकित होते हैं, रेखांकित संस्मरण होते हैं, माला साहित्य हो गया, आत्मकथा हो गई, जीवनी हो गई, रिपोर्टार्ज, ठीक है, जो डायरी होती है उसी का कहते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इनकी विशेषताएँ क्या है, कौन कौन से कवि जो है, मुख्यतः एक दो कवियों के बारे में यहाँ पे हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। छोटी छोटी जो है जानकारी हम यहाँ पे लेते चलेंगे। कहानीकार के रूप में हम देखें तो भीष्म साहनी, मनु भंडारी, इकाई चार की बात कर रहा हूँ मैं। नाटक में हम अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, ठीक है, और निबंध में हम रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद के पढ़ेंगे। आलोचना में हम डॉक्टर नागेंद्र नामवर सिंह। व्यवहारिक कार्य की बात किया जाए तो कविता रचना व काव्य पाठ करना, लघु नाटिका, सारगर्भित विषय पर चर्चा जिसे हम क्या कहते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क। बेसिकली प्रैक्टिकल में क्या करना है, कविता रचना व काव्य पाठ करना, जो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है कॉलेज में उसके बेसिस पे आपको नंबर प्रोवाइड कराए जाते हैं। लघु नाटिका जिसे हम क्या कहते हैं कि नाटक करना, ठीक है, कोई भी विषय, मान लीजिए प्रेमचंद की कोई कहानी हो गई तो लघु नाटिका, सारगर्भित विषय पर चर्चा करना, पुस्तकालय भ्रमण व रिपोर्ट तैयार करना, ये कुछ
प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आता है। संदर्भ सूची बात किया जाए तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किताबों का नाम है। पी एन पांडे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। हरदेव बाहरी हिंदी व्याकरण, लूसेंट की हिंदी व्याकरण आपको मोर देन सफिशियंट है, मैं ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है। लूसेंट की जो हिंदी व्याकरण है ये मोर देन सफिशियंट है आपके बी एड के स्टूडेंट के लिए। 6 से 10 तक जो हिंदी पुस्तकें हैं एनसीईआरटी का आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो, ठीक है। वही इंग्लिश का सिलेबस की बात कर लेते हैं। इंग्लिश का सिलेबस अगर आपका है तो आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो टू डेवलप एंड इंटीग्रेट द यूजेज ऑफ कोर लैंग्वेज स्किल्स, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। बेसिकली बताया गया कि इंग्लिश के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर सकते हैं, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग साथ साथ में राइटिंग की। टू डेवलप एंड इंटरेस्ट इन अप्रिशिएशन ऑफ लिटरेचर, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स ऑफ टेक्स्ट एंड टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स अप्रॉक्सीमेटली टू इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड वार्निंग। एंड 5वां पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द स्पॉन्टेनियस स्पोकन डिस्कोर्स। एंड 6ठा पॉइंट है टू एक्सप्रेस आइडियाज इन क्लियर एंड ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश। एंड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामा। साथ ही साथ में टू इनेबल टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश एंड टू इनेबल डेवलपमेंट इंटरेस्ट इन इंग्लिश एंड टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक करेक्टिवली, क्रिएटिवली एंड इमेजिनेटिवली। बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि इंग्लिश भाषा के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जो इसका उद्देश्य है, जो इसका ऑब्जेक्टिव्स है, इसका उद्देश्य है कि हम इंग्लिश भाषा को लिख सके, बोल सके, ठीक है, उसे सुनने में सक्षम हो। बेसिकली ये इसका उद्देश्य पहला हम देखेंगे। दूसरा हमने देखा कि जो भी इसकी विधाएं हैं, जैसे प्रोज हो गई, पोइट्री हो गई, ठीक है, ड्रामा हो गया, तो इन सबको पढ़ने में हम लोग निपुण हों, वही चीज़ यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। यूनिट फर्स्ट में बात करेंगे, ये क्या है, यूनिट फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एज अ फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज, मतलब आपको यहाँ पे जैसा कहता है, कही जाता है कि जो इंग्लिश भाषा हमारी पहली लैंग्वेज है फिर दूसरी लैंग्वेज है, तो कई जगहों में आपने देखा होगा कि सरकारी कार्यक्रमों में जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है। तमाम प्रकार की चीज़ें जो है इंग्लिश के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, मतलब कि दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश भाषा का किस प्रकार से प्रयोग है उसको पढ़ेंगे, जो उद्देश्य है उसको पढ़ेंगे। टीचिंग टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। साथ ही साथ में हम सेकेंड यूनिट में बात किया जाए तो डिस्क्रिप्शंस ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है, 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे हम। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। एक्विजिशंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड प्रेसाइज के बारे में हम पढ़ेंगे सेकेंड में, ठीक है। वही यूनिट थर्ड की बात किया जाए तो डिफिनेशंस ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ड्रामा, प्रोज, पोएट्री एंड एसे एंड नॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्रामा हम शेक्सपियर के, जूलियस सीजर के बारे में पढ़ेंगे और गिरीस कर्नाट के जो है तुगलक के बारे में पढ़ेंगे और रविन्द्रनाथ टैगोर का हम सेक्रीफाइस के बारे में पढ़ेंगे और आर्थर मिलर का जो है ऑल माई सन्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। वही नॉवेल्स की बात किया जाए तो एनी वन फ्रॉम गिवन जो है, चार्ल्स डिकेंस का हम ओलिव ट्विस्ट पढ़ेंगे, जेम्स ऑस्टिन का हम प्राइड एंड प्रीजस्टिस पढ़ सकते हैं, प्रीजुडिस माफ कीजिएगा, थॉमस हार्डी का हम पढ़ेंगे फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एंड रडियार्ड किपलिंग का पढ़ेंगे द जंगल बुक, ठीक है। पोएट्री में बात किया जाए तो चूज एनी सिक्स, मतलब इनमें से आपको किन्हीं 6 को पढ़ना है, तो वर्डवर्थ, डेफोल्डिल्स, शेक्सपियर का माय मिस्ट्रीज आइज आर नथिंग लाइक द सन, जॉन किट्स का ओड टू द नाइट एंगल जो कि आपके क्लास 12th में ही था, डब्ल्यू एच का आर्डन का स्टॉप ऑल द क्लॉक्स एंड पी बी शैली का ओड टू द वेस्ट विंड और सरोजनी नायडू का द फ्लूट प्लेयर ऑफ द वृंदावन एंड तोरू दत्त का हम पढ़ेंगे द कैसरनीज ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, स्टेफन स्प्लेडर के बारे में पढ़ेंगे, स्प्लेडर, ठीक है, स्टेफन स्प्लेडर के जो है उनकी जो नॉवेल्स थी और माफ कीजिएगा पोएट्री जो थी, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन, टी एस इलार्ड का पढ़ेंगे हेलो मैन एंड रॉबर्ट ब्राउविंग का पढ़ेंगे प्रोस्पाइस, ठीक है। वही यूनिट फोर्थ की बात कर लेते हैं तो इसमें हम कंपोजिशन, एसे राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे और पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एप्लीकेशंस, लेटर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, अनसीन पैसेज एंड प्रेजेस, राइटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग, बेसिकली जो हिंदी का था वही इसके बारे में हम एसे राइटिंग के बारे में बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ किताबें हैं जो कि आपको बताया गया है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है।
संस्कृत का यहाँ पे कोई विद्यार्थी नहीं होगा, इस वजह से हम इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अगर आप में से कोई भी संस्कृत लेना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बता भी दूंगा। ठीक है, वहीं आप लोग इसका भी देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ, पीपल टीचर्स विल बी एबल टू। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आप इसको देख लीजिएगा। चलिए बता ही देते हैं हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा, इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज इन द एरियाज ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड प्रिपेयर देम टू अप्लाई दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड वर्किंग नॉलेज टू अदर कोर्सेज एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड यूज इट नॉलेज इट इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्टर्स एंड थ्री डायमेंशन कॉन्सेप्ट इन एनालिटिकल ज्योमेट्री। बेसिकली बताया गया है कि बेसिक जो एलिमेंट्री अलजेब्रा है उसका कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैलकुलस के बारे में, मतलब जो भी कैलकुलस होती है वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर बात कही गई है, और एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्टर्स, थ्री डायमेंशन को यहाँ पर पढ़ना है, थ्री डायमेंशन, ठीक है, एक्स वाई और जेड जो है बेसिक जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट की बात किया जाए तो यूनिट फर्स्ट में जो है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशंस, जैसे, ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण इन वन एंड टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई वाला कंपोनेंट को, और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, फैक्टराइजेशंस, साथ ही साथ में वेरियस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्रण संख्या जिसे हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड डी मेवियर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, डेफिनेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स ओवर आर एंड सी, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड एडजॉइंट एंड इंक्रीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ एट मैट्रिक्स के बारे में। बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में जो जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिकल जो एक्सप्रेशंस हैं जिसमें हम रेखीय समीकरण, बेसिकली वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकंड हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलजेब्रिकल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मैट्रिक्स के बारे में तीसरे पॉइंट पे पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस एंड बाय पार्ट, इंटीग्रेशंस ऑफ रैशनल्स, इरेशनल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, बेसिकली जो बताया गया है इंटीग्रेशन को यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, पहले में अब इसके भी कई पार्ट्स होते हैं जिसको आपने ट्वेल्थ में पढ़ ही रखा है, तो मुझे आई डोंट थिंक कि मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत है। डिफिनिट इंटीग्रल एंड जो आपने पढ़ा था ट्वेल्थ में, डिफिनिट इंटीग्रल जो पीसीएम लेंगे उनको पता होगा। ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज एंड इंटीग्रल एज द लिमिट्स ऑफ, लिमिट्स को भी पढ़ना है, लिमिट्स ऑफ सम एंड द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अगला पॉइंट है सिंगल डिफरेंशिएशंस इक्वेशंस, जो सिंगल्स होते हैं, ठीक है, जैसे log ई एक्स, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इस प्रकार से जो डिफरेंशिएशन है, सिंगल जो होता है, सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वेशन होता है, एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड लीनियर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन, माफ कीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। वही यूनिट थर्ड की बात किया जाए तो इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिकली आइडेंटिटीज़ एंड हाइट एंड डिस्टेंस एंड इंक्रीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वही यूनिट फोर्थ के बारे में बात करते हैं तो वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, पॉजिटिव पोजिशन वैक्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स टू ज्योमेट्रिकल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। वैक्टर के बारे में बेसिकली बताया गया है पढ़ेंगे हम, एंड स्ट्रेट लाइन इन टू डायमेंशंस, कोनिक, पैराबोला, एलिप एंड हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड टर्म्स एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन्स एंड स्टेंट्स लाइन इन दीज इन थ्री डायमेंशंस, एक्स वाई जेड, डायरेक्शंस रेशियो एंड डायरेक्शंस कोशाइंस एंड इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स, ठीक है, समतल का जो समीकरण है, स्ट्रेट लाइन्स एंड स्फीयर एंड कार्टेशियंस एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्फीयर, बेसिकली इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बेसिकली आप बताइएगा, हम यहाँ पे इसको अलग से डिफाइन कर देंगे। जियोलॉजी का यहाँ पे सब्जेक्ट है, आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे मैं आपके डिफाइन करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे छोटा है तो इसको भी पढ़ लेते हैं, आइए देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सिलेबस है। देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शंस ऑफ मोनरास, ठीक है, प्रोटिस्टास, फंजाई एंड वायरसेस एंड एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे।
जिसमें हम नॉन कॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कॉर डेटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, अगर बायोलॉजी आपने लिया था, अब बायोलॉजी तो उसमें पढ़ा ही गया था। तो पोरीफेरा, कॉर डेटा एंड प्लाइथेमिनेंस एंड एस्ले, आई थिंक एस्ले, एस्लेमिनेंथेस, एनेलिडा, एंथ्रापोडा एंड इक्नोडर्मेटा, इक्नोडर्मेटा, ठीक है, इकानोडर्मेटा, माफ कीजिएगा, इकानोडर्मेटा है। देखिए मुझे याद था, अभी जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पोरीफेरा, कार्डेटा, ठीक है, प्लाइथे, प्लाइथे हेल मिनथेस एंड एक्ने, एकेल, एकेल मिनथेस एंड एनेलिडा, आर्थोपोडा एंड इकानोडर्मेटा, ठीक है, इसको आपको याद रखने हैं। कॉर्डेटा हमने देखा था पेजेस, जैसे जनरल अकाउंट्स ऑफ फिशेस, एम्पलीफेरिया लाइक एग्जाम्पल फ्रॉग, ठीक है, रिपेलिया, एवेज, मैमलियन एग्जाम्पल रैबिट एंड रैट एंड मैन। यूनिट सेकंड हम पढ़ेंगे ऑरिजिन्स ऑफ लाइफ, ब्रीफ हिस्ट्री, केमिकल इवोल्यूशंस ऑफ फर्स्ट सेल एंड हेटरोटॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स, एडवेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। पॉइंट टू में स्टडी ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व इम्पल्स एंड हार्मोनल रेगुलेशंस एंड सर्कुलेशंस ऑफ, ठीक है, एक्स क्रिएशंस। यूनिट थर्ड की बात किया जाए तो सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें हम न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस एसिड, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, स्ट्रक्चर्स डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एप्लीकेशंस, प्रोटीन्स एंड सिंथेटिस ऑफ जीन म्यूटेशंस। बेसिकली मैंने यहाँ पे पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरा पीसीएम था, तो आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में, आई थिंक इसको आप मैनेज कर लेंगे, और मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ेंगे यूनिट फोर में, साथ ही साथ में बायोमास, फ्लोज ऑफ एनर्जी एंड फूड चेन एंड पैरामिड्स, पॉल्यूशंस वाटर के बारे में पढ़ेंगे, एयर सॉइल नॉइस पॉल्यूशंस और बायोस्फीयर एंड इट्स फीचर के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस एंड न्यूक्लियर विंटर, एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी खत्म हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे किताबों का नाम दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बॉटनी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बॉटनी के बारे में क्या है, बॉटनी यहाँ पे छोटा सिलेबस है, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे प्लांट्स पार्ट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टीम, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स किंगडम की बात की जाए तो क्रिप्टोग्राम्स एंड फेरोडोग्राम्स के बारे में यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यूनिट सेकंड में हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइटा, ठीक है, पेट्रियोडोफाइटा एंड एंगियोस्पर्म एंड जाइनोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। वहीं यूनिट थर्ड की बात किया जाए तो प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, और ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में जो चौथा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा एंड ट्रांसपायरेशंस, एसेंस ऑफ सेप के बारे में पढ़ेंगे, और सर्कुलर रेस्पिरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशंस, ठीक है। यूनिट फोर्थ में हम देखेंगे मेंडेलियन लॉज एंड डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल्स एलील्स एंड लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, उसके यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में हम देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड इट्स यूनिटी, जिसमें हम साथ देखे थे ट्वेल्थ में, जो बेसिकली जो चीज़ें थी, ठीक है, एमकेएस पद्धति जो भी होती, सीजीएस पद्धति, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, एमकेएस मीटर किलोमीटर सेकंड, जो चीज़ें थी, डेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स, यूनिट सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, एमकेएस सीजीएस एंड एफपीएस एसआई, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के बारे में हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, जिसमें सदिश और अदिश राशि कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशंस, त्वरण, टाइम ग्राफ, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है, जिसको हमने देखा भी था, और फोर्सेस एंड पिश्यूडो फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना कि एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, वही बेसिक चीज़ें थी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और इंटर ऑफ मास और पार्टिकल कोलिजन्स इन 2D के बारे में पढ़ेंगे। वही यूनिट सेकंड की बात किया जाए तो इसमें हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशंस, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनर्शिया एंड ग्रेविटेशनल मासेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स एंड केपलर लॉ, ग्रेविटेशंस कॉन्स्टेंट, एक्सीलरेशंस ड्यू टू द ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स एनर्जी। ठीक है, वहीं यूनिट थर्ड की बात की जाए, यूनिट थर्ड में हम क्या पढ़ेंगे, तो रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रिफ्लेक्शंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, मिरर रिफ्लेक्शंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, अपेरेंट डेप्थ, टोटल इंटरफेरेंस जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म और ऑप्टिकल जीवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ बताया गया है कि आपतन परावर्तन, बेसिकली परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी उसके लॉज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू, जो भी मिरर लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे। वहीं फोर्थ की बार कर लेते हैं, वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, वेव माफ कीजिएगा थ्री ही है, तो वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, वेव इक्वेशंस, ट्रैवलिंग एंड स्टैंडिंग, सुपर पोजिशंस ऑफ वेव्स एंड कोहेरेंट सोर्सेज, इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट जिसको हम क्लास ट्वेल्थ में पढ़े, पूरा का पूरा ट्वेल्थ का सिलेबस है, एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस इन द फिल्म और डिफ्रैक्शंस, पोलराइजेशंस एंड द अनपोलराइजेशन लाइट। ठीक है, ध्रुवीकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण जिसको हम देख कहते हैं हिंदी में। अगला हमारा यूनिट फोर्थ में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, रिव्यू ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब लॉ। ठीक है, कूलम्ब लॉ हमने क्या पढ़ा था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हमने पढ़ना था। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फैराडे लॉ और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात किया जाए तो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके और हाफ लाइफ और डीके, न्यूक्लियर फ्यूजन्स, न्यूक्लियर फ्यूजन्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी फिजिक्स की आपकी। वहीं केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में क्या है, कोर सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट आर अल्टरनेटिवली कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाई टीचर्स एंड द स्टूडेंट इन अ जनरल एनालिसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स ब्रांचेस एंड प्रोसेस स्किल्स नॉलेज। अगला क्या है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना और टू डिफरेंस वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री एंड इंटीग्रेट इट विद इट्स फील्ड। यूनिट फर्स्ट में हम क्या देंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल एंड इट्स लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम को समझने का प्रयास करेंगे, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसमें एस पी डी और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, और साथ ही साथ में केमिकल बॉन्ड्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेफ्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग रिसोर्सेज एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ ब्रॉन्स्टेड, हॉली एंड लेविस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ स्टीरियो, एस पी ब्लॉक एंड साथ ही साथ में रिलेटेड इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीफ नॉलेज ऑफ ट्रांजिशनल मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वही यूनिट सेकंड की बात किया जाए, एक बार इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, एक बार इसको देख लीजिएगा, पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। इतिहास की बात करते हैं, अगला जो हमारा इतिहास का सिलेबस है, इतिहास को हम यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों का जो इतिहास सिलेबस होता है, इतिहास अधिकतर लोग लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। इतिहास का इकाई फर्स्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसकी भी इकाई चार है, इसमें इतिहास बोध, इतिहास की अवधारणात्मक अवधारणाएँ, प्राकैतिहासिक काल, ऐतिहासिक स्रोत जिसमें पुरातात्विक, साहित्यिक, लिखित, पुरापाषाणकाल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की जो विशेषताएं थी, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरी इकाई में हम सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल का इतिहास, मुस्लिम काल आदि के बारे में पढ़ेंगे। वहीं यूनिट थर्ड की बात किया जाए तो इसमें हम सल्तनत काल 1206 से 1707, ठीक है, और गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल काल, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में यहाँ पे हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। वही यूनिट फोर्थ की बात किया जाए तो अंग्रेज़ों का आगमन, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन और भारत की आज़ादी, कैबिनेट मिशन 1946, क्रिप्स मिशन 1927, ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे आई थिंक पढ़ेंगे। आप इसको समझ गए होंगे, इसके जो किताब यहाँ पे दी गई है इसको आप पढ़ सकते हैं,
इकोनॉमिक आई थिंक यहाँ पे कई लोगों का कम ही होता है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक को हम यहाँ पे स्किप करेंगे, ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं। पॉलिटिकल साइंस अगर कोई लेना चाहता है तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में क्या है, क्योंकि अधिकतर लोग पॉलिटिकल साइंस भी लेंगे। तो अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, ठीक है, अंडरस्टैंड द फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड अंडरस्टैंड द इंडियन वुमेंस मूवमेंट, साथ ही साथ में स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग कैरेक्टर्स ऑफ सोशलिज्म, अंडरस्टैंड द चेंजिंग कैरेक्टर्स ऑफ कैपिटलिज्म, अंडरस्टैंड द इकोलॉजी मूवमेंट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे महिलाओं का योगदान जो पॉलिटिक्स में किस प्रकार से रहा, जो मूवमेंट हमारा चलता रहा, उसके बारे में यहाँ पे बेसिक चले पढ़ेंगे। देखिए यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, किस प्रकार से जो है लिंग जो भेद था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसमें हमारे संविधान में प्रलिखित भी किया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति से अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति धर्म या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है आपको, उसमें पढ़ना है। मेजर इश्यूज इन फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स वुमेन्स एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर्टी एंड अदर रिसोर्सेज, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन पोस्ट कोलोनियल सोसाइटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ वुमेन, इशू रिलेटेड बॉडी पॉलिटिक्स, सेक्सुअल वायलेंस, एबॉर्शंस एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे वुमेन्स के जो भी वुमेन्स के जो अधिकार है, ठीक है, जो राइट्स है उनके, वुमेन्स राइट्स के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी पॉलिटिक्स में उनको जिस प्रकार से जो है पुराने समय में किस प्रकार से उनकी स्थिति थी, वर्तमान समय में उनकी स्थिति किस प्रकार से है, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे 11% जो है लोकसभा में वुमेन्स का इस समय जो है बहुमत है, लेकिन जो कि पुरुषों के हिसाब से बहुत ही कम है, लेकिन पिछले आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जो है वुमेन्स जो थी वो लोकसभा में नहीं थी, नहीं के बराबर ही थी, ठीक है। तो हालांकि सरकार जो है संविधान के माध्यम से जो है, संविधान जो है वो कई माध्यम से जो है वुमेन्स को कई राइट्स देता है, वही बेसिकली इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ में द इंडियन वुमेन्स मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी महिला आंदोलन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल इशू और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद इन द मूवमेंट एंड रिलेशनशिप विद अदर सोशल मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे द मेन फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट थ्रू अप टू द 1980s एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज अप टू 1980s के बारे में पढ़ेंगे, जो भी सोशल कंट्रीज थी 1980s के बारे में, जो घटनाएं हुई हैं टू सोशल एक्टिविटीज हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैलेंजेस आफ्टर द 1980s, द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड ईस्टर्न यूरोप, किस प्रकार से जो है विलोप हुआ, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप का। और साथ ही साथ में फीचर ऑफ द क्राइसिस रिस्पॉन्स फ्रॉम द विद इन द सोशलिज्म एंड इम्पैक्ट ऑन पोस्ट कॉलोनीज सोसाइटीज़ एंड थर्ड वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं यूनिट थर्ड की बात किया जाए तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम लिजेस फायर टू वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म इन द 1980s, जिसमें कहते हैं संघवाद की जो भावना थी, एंड टैक्टरिज्म ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनिट फोर में हम देखेंगे द इकोलॉजी मूवमेंट के बारे में देखेंगे, हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द वेस्टर्न मूवमेंट, जिसमें हम करेंगे ग्रीन पीस, फ्रेंड ऑफ द अर्थ एंड नॉन वेस्टर्न मूवमेंट, जिसे चिपको आंदोलन के नाम जानता है, चिपको, साइलेंट वैली, NBA एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ द लैटिन अमेरिका एंड द साउथ ईस्ट एशिया के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी जो है अधिकतर स्टूडेंट की जो है यहाँ पे पसंदीदा सब्जेक्ट होगा, तो उसको भी यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू रिकॉग्नाइज द ओवरऑल प्रेसिपिटेशंस अबाउट ज्योग्राफी सब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न द ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी जो मानव भूगोल है उसको लर्न करने में यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एबल होंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिसोर्स ज्योग्राफी एंड स्टूडेंट विल बी आल्सो एबल टू द नो अबाउट द एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कृषि भूगोल के बारे में जो है वो ऑलरेडी पढ़े रहेंगे इसके माध्यम से। साथ ही साथ में स्टूडेंट विल बी आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द मैप्स एंड डायग्राम्स एंड स्टूडेंट विल बी द एबल टू अंडरस्टैंड द लोकेशंस एरियाज स्पेस एंड इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंड द सोशल रिफॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे वो एबल होंगे। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, 8:04 से 37:06, ठीक है, 68:07 से 97:25 जो भी है आपका एक बार देख लीजिएगा, पूर्वी देशांतर में जो स्थिति है भारत की वो चीज़ पढ़ेंगे हम। फिजिकल फीचर इंडिया, रिलीफ स्ट्रक्चर मेडर और मेजर जो है फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। साथ ही साथ में ड्रेनेज, ठीक है, मेजर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गंगा रिवर हो गया, उसका ट्रिब्यूटरी क्या है, रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी,
ठीक है, जो रिवर्स हैं उनकी रोल्स क्या हैं इकॉनमी में, एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हेड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट में हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, रेस फॉल एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन क्लाइमेट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इंडियन क्लाइमेट है किस प्रकार से चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में यूनिट सेकंड में हम लैंड रिसोर्सेज, सॉइल एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स, एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे किस प्रकार से मिनरल्स का जो खनिज है किस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, किस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कौन 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 से खनिज पाए जाते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, टाइप्स, यूजेस, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और एग्रीकल्चरल टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेचुरल इकोनॉमी एंड स्टडी ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, व्हीट, राइस एंड कॉटन, सुगर केन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ में यूनिट थर्ड की बात करें तो ऑक्यूपेशंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, टेली कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड ट्रेड, व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो भी औद्योगिक है उत्पादन के लिए, टाइप्स एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशंस, कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडस्ट्रियल टू नेचुरल इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन एंड डिग्रेडेशंस ऑफ इन्वायरमेंट, किस प्रकार से हमारा डिग्रेडेशंस ऑफ इन्वायरमेंट हो रहा है उसको यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बेसिस के लिए इसमें यूनिट थर्ड में हम ट्रांसपोर्टेशन एंड टेली कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वही यूनिट फोर्थ की बात किया जाए तो यूनिट फोर्थ में हम पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड कंट्रोल मेजर्स बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसके लाभ क्या है, ठीक है, उसके हानि क्या है, उसको किस प्रकार से बचा जा सकता है उसी के बारे में हम पे पढ़ेंगे। किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, घनत्व के आधार पर कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है किस प्रकार से उसको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे एक एक पॉइंट। वहीं बात किया जाए नेचुरल हजार्डस, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लैंडस्लाइड्स, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, सुनामी, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो भी साइक्लोन्स आते हैं, हजार्डस आते हैं, उसके बारे में, नेचुरल हजार्डस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे एंड मैन मेड डिजास्टर जैसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल एक्सप्लोजेशंस एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशंस एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉजेज एंड इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो भी मैन मेड डिजास्टर हैं, नहीं मानवकृत जो भी प्रॉब्लम जो क्रिएट किए गए हैं उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जो कि न्यूक्लियर है, परमाणु बल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिकली लास्ट पॉइंट है अटेंडेंस का, जो है आपको कॉलेज की तरफ से 5 नंबर दिया जाएगा, टेस्ट जो है वो 10 मार्क्स का होगा और प्रेजेंटेशन का 5 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर टोटल जो है वो 20 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि हाल कॉलेज जो है कई बार 15 से 18 के बीच में सबको दे ही देता है, उससे नीचे कोई नहीं देता कॉलेज। ठीक है, तो उसको आपको दिक्कत नहीं करनी है। आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हुआ हो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहते हैं कि इसके लिए एक अलग से, जैसे कि इस प्रकार से दो सब्जेक्ट वो हो गया और दो सब्जेक्ट जो है सिर्फ हिंदी या फिर हिस्ट्री का बनाया जाए, तो उसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से जो है वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाए। थैंक यू सो मच।